हाय एवरीवन, कारो 2020 में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू कारो 2020। आई होप वी ऑल अंडरस्टैंड अ लिटिल अबाउट कारो। CARO कारो स्टैंड्स फॉर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। दोस्तों, हर ऑडिटर अपनी जिस भी कंपनी का वो ऑडिट करता है, अपनी रिपोर्ट का फॉर्मेट थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखता है, क्योंकि एज सच कोई कंटेंट तो फिक्स है लेकिन फॉर्मेट फिक्स नहीं है ऑडिट रिपोर्ट का। इट कैन बी टेबुलर, इट कैन बी इन पैराग्राफ, इट कैन बी इन लैंडस्केप, इट कैन बी इन पोर्ट्रेट, इट कैन बी पॉइंट वाइज, इट कैन बी पैराग्राफ वाइज। मेरा बताने का मतलब यह है कि ऑडिट रिपोर्ट का कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। ऑल्दो ऑडिट रिपोर्ट का जो कवरिंग लेटर होता है उसके कुछ कंटेंट्स फिक्स्ड है, लेकिन उसके बाद आप कैसे कैसे डिटेलिंग करते हैं ऑडिट रिपोर्ट की, दैट इज समथिंग अप टू द ऑडिटर हिमसेल्फ, व्हाट स्टाइल व्हाट मैनर डज ही फॉलो। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर आप कंपैरिजन करने बैठेंगे ऑडिट रिपोर्ट ऑफ टू और मोर कंपनीज, तो अगर उन दोनों कंपनीज के ऑडिटर अलग अलग हैं और उन दोनों का स्टाइल एंड मैनर ऑफ राइटिंग रिपोर्ट अलग अलग है, तो थोड़ा कंपैरिजन में मुश्किल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड सम क्वेश्चंस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक क्वेश्चन बैंक इशू किया ऑन विच एवरी ऑडिटर ऑफ स्पेसिफाइड कंपनीज हैव टू आंसर। मतलब आप प्लीज सोचिए कि फॉर एग्जाम्पल किसी ऑडिटर ने किसी कंपनी की रिपोर्ट लिखते टाइम कहा कि इस कंपनी में फ्यूल बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इस कंपनी में ईंधन की बहुत बर्बादी होती है, पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ कंज्यूम होता है लेकिन बहुत वेस्टेज होती है। अब आपने सोचा कि देखते हैं दूसरी कंपनीज में फ्यूल की वेस्टेज है या नहीं, तो आपने दूसरी कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट खोलकर देखी, तो पता चला कि जो दूसरी कंपनियां हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर साहब ने फ्यूल के बारे में बात ही नहीं करी। मेरा कहने का मतलब है कि किसी एक पॉइंट पर किसी एक ऑडिटर ने बड़ा लंबा डिस्कशन करा अपनी रिपोर्ट में, और उसी पॉइंट पर किसी दूसरी कंपनी के ऑडिटर ने कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि उसको इररिलेवेंट लगा या अनइम्पॉर्टेंट लगा। भाई, कोई सेट पॉइंट्स या कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता जब रिपोर्ट का, तो हर ऑडिटर अपने हिसाब से प्रायोरिटाइजेशन करता है, इम्पॉर्टेंस और रेलेवेंस डिसाइड करता है, अच्छा और बुरा सोचता है कि भाई क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, और उस हिसाब से वो रिपोर्ट लिख दी जाती है। दिस डज नॉट हेल्प अस इन कंपेयरिंग रिपोर्ट्स ऑफ टू और मोर कंपनीज। भारत सरकार ने ये दिक्कत ये परेशानी दूर कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया और उस ऑर्डर में ये कहा हर कंपनी के ऑडिटर से कि भाई देखो, मैं 21 क्वेश्चन लिखकर दे रही हूं आप सबको। सरकार बोली हर ऑडिटर से कि मैं तुम्हें 21 क्वेश्चंस, किसी जमाने में 16 होते थे कारो 2016 में, फिलहाल हम 2020 वर्जन पढ़ रहे हैं, तो 21 क्वेश्चन है उस ऑर्डर में, और उन 21 सवालों में, 21 क्वेश्चंस में पैरिटी है, समानता है फॉर एवरी कंपनी। भाई आप एक्स लिमिटेड का ऑडिट करेंगे तब भी आपको उन्हीं 21 सवालों का जवाब देना है, आप वाई लिमिटेड का ऑडिट करेंगे तब भी आपको उन्हीं 21 कंपनियों के सवालों का उन्हीं 21 जवाब सवालों के जवाब देने हैं। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट उठाइए, आपको उन 21 सवालों के जवाब मिल जाएंगे हर ऑडिटर की तरफ से। तो दोस्तों, आपको एक बेस मिल गया कंपैरिजन का, उसी क्वेश्चन का आंसर इस कंपनी के ऑडिटर ने क्या दिया है और उसी क्वेश्चन का आंसर दूसरी कंपनी के ऑडिटर ने क्या दिया है, यू कैन कंपेयर। सर कैसे सवाल होते हैं वो, पहले तो ये प्रोसेस याद रखिएगा, भारत सरकार हैज इशूड 21 क्वेश्चंस, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, अ काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक टू बी आंसर्ड बाय ऑडिटर ऑफ एवरी कंपनी, राइट? आई होप यू गॉट द प्रोसेस। इन 21 सवालों में सरकार पूछना चाहती है क्या इस कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ, क्या इस कंपनी ने कानून फॉलो किया, क्या इस कंपनी ने अपने एसेट के रिकॉर्ड कीपिंग बुक कीपिंग सही तरीके से करी, क्या इसने अपने स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन किया, इस प्रकार के कुछ 21 क्वेश्चंस हैं। ये जो 21 सवाल हैं दोस्तों, इन 21 क्वेश्चंस को मेरी बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा अपने हाथ से खुद लिखेंगे, थोड़ा समझ समझ कर लिखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। एग्जाम के लिए 21 के 21 पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है आपको। एग्जाम में क्या होगा कि हर 21 क्वेश्चन की एक हेडिंग है, वो आपको हेडिंग लिखकर देगा एग्जाम में और आपसे पूछेगा कि सरकार ने क्या सवाल पूछे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। दैट मीन देयर वुड बी 21 हेडिंग्स,
And in those 21 headings, there would be several questions. The institute will give you question by giving that heading. वो आपको heading लिख के देगा. और इंस्टीट्यूट की हेडिंग लिखने के बाद आपको यह बताना होगा कि इस हेडिंग के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस. वैसे तो यह ऑर्डर सारी कंपनीज पर अप्लीकेबल होता है, देश में जितनी भी कंपनीज हैं. बट हां, देयर आर सम कंपनीज विच आर एग्जेम्प्टेड, वी विल डेफिनेटली सी देम. तो फिलहाल आपको यह प्रोसेस समझ आ गया कि कारो है क्या. वैसे तो कारो 2020 उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ना है जिन्होंने कारो 2016 पढ़ रखा है और अब अमेंडमेंट आके नया कारो आ गया, तो उनको तो व्हाट इज कारो बताने की जरूरत नहीं है, उनको तो पता है. लेकिन मैंने ये इंट्रोडक्शन दोस्तों आपके 5 मिनट लेकर इसलिए दिया कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी कारो का नाम नहीं सुना, कम से कम उनको पता रहना चाहिए कि कारो है क्या चीज. तो आइए, अब जब हमें पता चल गया है कि कारो क्या है, तो बस अब अपना काम शुरू करते हैं, अपनी क्लास में लिखना शुरू करते हैं. अपनी नोटबुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ लिखिए कि कारो 2020 क्या है. आइए साथ मिलकर नोट्स बनाते हैं. मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं. जी हां दोस्तों, ठीक है. कारो 2020, कारो 2020, राइट. सबसे पहले हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन. थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो. देर आर सम स्टूडेंट्स हु वॉच द वीडियो इन मोबाइल फोन, देर आर सम स्टूडेंट्स हु यू नो वॉच द वीडियो इन टैबलेट. तो जो कंप्यूटर पे व्यू नहीं करते उनको परेशानी ना हो, इसलिए यह जरूरी है कि हम इस तरीके से इसको देखें. ठीक है दोस्तों, चलिए कारो 2020 का इंट्रोडक्शन. सबसे पहले पॉइंट वन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस to be answered by auditor of all companies except the companies which have been exempted. Except the companies which have been exempt. वो बात ऐसी है दोस्तों कि भाई जो कुछ कंपनियां हैं जिनको exemption मिल गई है, उन exempted companies को कारो 2020 follow नहीं करना. तो बस उन companies को हटा दो, उसके अलावा जितनी companies बची उन सभी को तो कारो 2020 या जो भी कारो आता है वो follow करना है, right दोस्तों. कारो की full form लिखनी हो तो आप लिख लीजिएगा company auditors report order, ठीक है, ये लिख लिया ना आपने. पॉइंट नंबर टू, कारो क्रिएट्स अ पैरिटी. पैरिटी मतलब समानता. कारो 2020 या कोई भी कारो, कोई भी वर्जन हो, अमेंडमेंट होते होते, लेकिन इससे एक समानता उत्पन्न होती है. कारो क्रिएट्स अ पैरिटी इन ऑडिट रिपोर्ट्स, इन ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ ऑल कंपनीज. इसी के आगे लिखिएगा, इट विल हेल्प अस व्हेन वी विश टू कंपेयर audit report of more than one companies in the same industry or same segment. इसको नोट करिए,
कारो क्या करता है। कारो में जब आपके पास 21 सवाल आ गए, उन 21 के 21 क्वेश्चंस में एक दो ऐसे हैं जो हर कंपनी पर अप्लाई नहीं हो सकते, जैसे कुछ निधि कंपनी का ऊपर सवाल है, एक एनबीएफसी का क्वेश्चन है, तो वहां तो बाकी कंपनियां नॉट अप्लीकेबल कर देंगी। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कंपेयर करने के लिए उन क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। भाई एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जैसे पेट्रोलियम, तो आप इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम का कंपैरिजन कर सकते हैं। स्टील के लिए आप टाटा स्टील, जिंदल स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन कंपनीज जो कि सेम सेगमेंट में काम करती हैं, उनका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और इनके कंपैरिजन से आपको ये फायदा मिल जाएगा कि आप परफॉर्मेंस का जजमेंट कर पाएंगे, इवैल्यूएशन कर पाएंगे। पहले जब ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग फॉर्मेट, डिजाइन, स्टाइल की होती थी, आज भी होती हैं, पूरे ऑडिट रिपोर्ट को टच नहीं कर रही सरकार। सरकार ने ऑडिटर्स को इंडिपेंडेंट छोड़ा है कि भाई द वे यू वॉन्ट टू राइट यू प्लीज राइट, वी विल नॉट डिस्टर्ब यू, बट अलॉन्ग विद योर ओन रिपोर्ट, जो आपने रिपोर्ट बनाई है उसके साथ साथ इन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको देना चाहिए। बस ये यहां पर साथ साथ लिखा, क्लियर। चलो अगला पॉइंट नंबर 3, कारो 2020 रिक्वायर्स दैट कारो 2020 रिक्वायर्स दैट ऑडिटर स्पेसिफाइज रीजंस फॉर ऑल एडवर्स रिमार्क्स गिवन इन द आंसर्स of कारो questions। इसी के आगे लिखिएगा, मैं अभी समझाता हूं आपको। This gives a kind of justification। This gives a kind of justification for each remark गिवन बाय ऑडिटर। भाई मेरी हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, पेपर आपको देना है, थोड़ा आप अच्छे तरीके से लिखिएगा। देखिए, किसी की तारीफ करें आप, ऑडिटर कंपनी की तारीफ कर रहा है कि भाई ऐसी अमृत भरी कंपनी कभी नहीं देखी मैंने। द काइंड ऑफ ऑनेस्टी द पीपल शो इज ट्रेमेंडस, बहुत बढ़िया, इसका कोई रीजन नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन आप ऑडिटर हैं और आप क्लाइंट की ऑडिट रिपोर्ट में लिख रहे हो कि भाई इस कंपनी ने 16,524 रुपए का हर महीने गड़बड़ करा है, तो फिर क्लाइंट आपसे पूछ सकता है, हाउ कैन यू से कि 16,524 का करा है हर महीने। सो यू शुड हैव सम एविडेंस, यू शुड हैव सम एक्सप्लेनेशन, यू शुड हैव सम जस्टिफिकेशन। तो जहां जहां ऑडिटर एडवर्स रिमार्क देता है, जहां जहां उसके कॉमेंट में नेगेटिविटी है कंपनी के बारे में, वहां वहां पर रीजनिंग जरूरी है, वहां वहां पर जस्टिफिकेशन जरूरी है, वहां वहां पर यह बताना जरूरी है कि भाई ये हम इसलिए कह रहे हैं, ये इसका रीजन ये है। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर ऐसे कैसे आप किसी पर कोई आरोप लगा देंगे। तारीफ तो चलो ऐसे ही कर दी, कोई नहीं पूछने वाला, हाउ कैन यू से दैट द कंपनी पीपल आर सो ऑनेस्ट, नोबडी वुड आस्क यू। बट व्हेन यू से दैट कंपनी हैज एक्टेड डिसऑनेस्टली, कंपनी हैज नॉट फाइल्ड द documents to registrar of companies, company has not paid attention to the employees, company has not done the proper welfare of the employees, company has not made the payment of taxes, to aisa kaise aap kisi par aarop laga sakte hain। aapko ye baat samajhni hogi ki bhai aap kisi ke upar aarop lagayenge to uska karan aur uska saboot hona chahiye। ye baat point number 3 mein likhi thi, right। chaliye point number 4, कारो 2020 हैज रिप्लेस्ड अर्लियर वर्जन, कारो 2020 हैज रिप्लेस्ड अर्लियर वर्जन ऑफ कारो
दैट इज कारो 2016, ठीक है, कारो 2020 इज एप्लीकेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021. जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि 2020-2021 के जब ऑडिट रिपोर्ट बनाया जाएगा 31 मार्च 2021 के बाद, ऑब्वियसली उस पर ये अप्लाई होगा. इट मींस ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 शैल हैव कारो रिपोर्टिंग एज वेल, राइट. और फिर वो ऑनवर्ड्स चलेगा. ऐसा नहीं है कि 2021 पर अप्लीकेबल हुआ, 2021 फ्रॉम से, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021, 2021 से शुरू हुआ और बस फिर वो अप्लीकेबल ही रहेगा और हमेशा कारो 2020, जब तक वो बदल नहीं जाता तब तक हम ऐसा करेंगे. किसी जमाने में कारो 2008 था, पहले इसका नाम माओ कारो था, फिर वो 2013 में रिवाइज हुआ, 2016 में नया आया, अब 2020 में नया आ गया. फिलहाल मुझे उम्मीद है आप ये लिख चुके होंगे, राइट दोस्तों. अब आप हेडिंग डालिए एग्जेम्पशन फ्रॉम कारो 2020. कहां कहां पर कारो 2020 अप्लाई नहीं होता, किन किन जगहों पर कारो 2020 अप्लाई नहीं होता, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कारो से एग्जेम्प्टेड हैं. सबसे पहला, पहला लिखने की जगह पहले मैं ये लिख देता हूं, फॉलोइंग आर दी कंपनीज, वो थोड़ा पैराग्राफ ठीक सा नहीं लगता. Following are the companies whose auditors, जिसके auditors को need not to follow कारो 2020. भाई वो अपने मन से कारो 2020 भी follow करना चाहें तो उनकी इच्छा है, ये उनकी मर्जी है, लेकिन कारो 2020 उनको follow करने की जरूरत नहीं है. पहला है बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन, वैसे तो आपको बताऊं एज डिफाइंड लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, फिर आप पेपर में लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है. बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, राइट दोस्तों. दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी एज डिफाइंड इन इंश्योरेंस एक्ट 1938, राइट. वैसे वो 2015 में इंश्योरेंस एक्ट रिवाइज हुआ है, लेकिन फिर भी अगला देखते हैं. जनरली दोस्तों बताऊं आपको, बैंकिंग इंश्योरेंस जहां जहां आते हैं वहां वहां इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी साथ साथ आ जाती है, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है. बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. अगला है चैरिटेबल कंपनी, ऑल्सो कॉल्ड सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है दोस्तों. फोर्थ, वन पर्सन कंपनी. पांचवा, स्मॉल कंपनी. अब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दोस्तों यहां कोई समझने का लॉजिक नहीं बनता.
आप जानते हैं कि स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं? ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीस को क्रॉस नहीं कर रही और जिसका टर्नओवर रुपीस 2 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रहा, दैट शैल बी अ स्मॉल कंपनी, बट दैट इज प्रेजेंट लिमिट। सरकार कल को ही बदल दे तो मेरी आज की वीडियो ये पुरानी मत कर देना। स्मॉल कंपनी की व्हाटएवर डेफिनेशन इज गिवन बाय कंपनी लॉ शैल अप्लाई। कंपनी लॉ जिसको भी स्मॉल कंपनी बोलेगा हम उसे स्मॉल कंपनी बोलने लगेंगे। तो कंपनी लॉ के मुताबिक मेरा कहने का मतलब है स्मॉल कंपनी जो है वो यहां पर है। ऐसा मत समझिएगा कि भाई स्मॉल कंपनी हमारे और आपके मन के हिसाब से, भाई कोई कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ है हम कह रहे हैं वो बिग कंपनी है और किसी का 4,000 करोड़ है हम कह रहे हैं कंपैरेटिवली तो ये स्मॉल ही है। ऐसा नहीं है। देयर इज अ प्रॉपर टर्मिनोलॉजी गिवन इन कंपनी लॉ व्हिच ऑल कंपनी शैल बी कंसीडर्ड एज स्मॉल। ठीक है, सो वी विल नॉट डिस्कस व्हाट इज स्मॉल कंपनी हियर ऑब्वियसली। अगला देखें, सिक्स्थ है प्राइवेट कंपनी विच डज नॉट क्रॉस एनी ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है जो इस समय आप लिख रहे हैं। समझने वाली चीज का मतलब यह भी नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नीचे मैं कुछ लिमिट्स लिखकर आपको दिखाऊंगा। लिमिट्स आपको याद ना हो तो एक बार में कोई तकलीफ की बात नहीं है, दो चार बार में लिमिट याद हो जाएंगी। नया नया कारो 2020 है, मैं भी लिमिट देखो कागज पर लिख कर लाया हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको लिमिट याद करने का बढ़िया तरीका यही है कि आप ये लिमिट अपनी नोटबुक पर या रफ शीट पर 10-12 बार लिखिए। उससे ये फायदा होगा कि आपको पक्के तरीके से याद हो जाएंगी। मेनी अ टाइम्स यू जस्ट रीड एंड यू थिंक दैट यू हैव लर्नड इट, आपको याद हो गया हमेशा के लिए, बट द मोमेंट यू नीड इट यू फॉरगेट इट। तो ऐसा मत करिएगा, लिख लिख कर ही याद करिएगा। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी जो नीचे दी गई लिमिट्स में से कोई सी भी लिमिट क्रॉस ना करे, ऐसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी कारो 2020 अप्लाई नहीं होता। मेरी बात दोबारा सुनिए, अगर नीचे दी गई लिमिट में से एक भी लिमिट क्रॉस हो गई, अगर नीचे दी गई लिमिट में से एक भी लिमिट क्रॉस हो गई तो एग्जेम्पशन छिन जाएगी। मतलब नीचे कई एंगल हैं, नीचे कई शब्द हैं, नीचे कई लिमिट्स हैं जिनमें से सबके दरवाजे आपको बंद रखने हैं, इनमें से कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। एक भी क्रॉस हुई तो बस एग्जेम्पशन उड़ गई और उसके ऊपर कारो लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्या क्या लिमिट्स हैं जो हमें यहां पर समझनी है। सबसे पहली लिमिट है दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू, सबसे पहली बात, सच प्राइवेट कंपनी शुड नॉट बी होल्डिंग और सब्सिडरी। ना तो ये होल्डिंग हो और ना ये सब्सिडरी हो, किसकी? किसी भी पब्लिक कंपनी की। अब देखो, जिन लोगों को होल्डिंग और सब्सिडरी शब्द का मतलब नहीं पता वो थोड़ा सा इंतजार कर लें, या वीडियो जो शुरुआत की होती है ना इंट्रोडक्शन की होल्डिंग सब्सिडरी वाली जिसमें टाइप्स ऑफ कंपनीज बताया जाता है, वहां आपको समझ आ जाएगा। लेकिन बड़ा आसान है कि सपोज करिए कोई एच लिमिटेड है, एच फॉर हैरी, एच एज इन हरियाणा, एच लिमिटेड है कोई, दैट कंपनी हैज परचेज मेजोरिटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी, तो दैट अनदर कंपनी शैल बी कॉल्ड सब्सिडरी एंड दिस एच लिमिटेड विल बी कॉल्ड होल्डिंग। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिसकी ना तो होल्डिंग पब्लिक है न जिसकी सब्सिडरी पब्लिक है, मतलब वो अकेली बेचारी मासूम बैठी है, अगर उसकी कोई होल्डिंग कंपनी है भी तो वो प्राइवेट है, अगर उसकी कोई सब्सिडरी है भी तो प्राइवेट है, और ना हो तो बहुत बढ़िया। मेरी बात ध्यान से सुनिए, सरकार ये मना नहीं कर रही कि ऐसी प्राइवेट कंपनी पर कारोल नहीं लगाएंगे जिसकी कोई भी होल्डिंग सब्सिडरी होगी। नहीं नहीं, अगर हमारी होल्डिंग प्राइवेट है, अगर हमारी सब्सिडरी प्राइवेट है और हम तो प्राइवेट हैं, तब तो कारो माफ हो जाएगा। लेकिन अगर या तो हमारी होल्डिंग पब्लिक है या हमारी सब्सिडरी पब्लिक है, अगर ऊपर और नीचे में से एक भी जगह अगर पब्लिक कंपनी आ गई
तो बस फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर कारो लग जाएगा। ठीक है, दूसरा देखें, और मैं आपको देखो ये बता चुका हूं कि सारी की सारी जो लिमिट्स हैं इनमें से कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए ए टू जेड, राइट। पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस शुड नॉट एक्सीड रुपीज 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए को क्रॉस न करे क्या ये जो पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल है वो, पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल 1 करोड़ रुपए को अगर क्रॉस कर गया तो फिर आपके ऊपर क्या लग जाएगा, कारो 2020। सी देखिएगा आप, टोटल बोरोइंग्स कहां से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ऐसे आप किसी राम श्याम मोहन से पैसे उधार ले लें तो वो यहां पर नहीं, ठीक है। टोटल बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टोटल बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट एक्सीड, ये भी एक्सीड ना करे कितने रुपए से, शुड नॉट एक्सीड रुपीज 1 करोड़, राइट। क्लियर हो गया। एक और लिमिट है दोस्तों, वो भी याद रखिएगा। एबीसीडी में लिमिट तो तीन ही है, वो जो पहला वाला था उसमें लिमिट थोड़ी, उसमें तो एक प्रकार की रेस्ट्रिक्शन, एक प्रकार की कंडीशन, एक प्रकार की रुकावट डाली गई कि भाई होल्डिंग सब्सिडरी जो है वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो अगला देखो आप, टोटल रेवेन्यू, सिर्फ टर्नओवर नहीं, सारा कमाई जितना भी है, टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम discontinuing operation should not exceed rupees 10 crore. Discontinuing operation जानते हो आप, वैसे accounts में ये जो वो सब कुछ है वहां आपने पढ़ा होगा, ये जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस होते हैं वो एक सेगमेंट है आपके बिजनेस का जो अब आप कंटिन्यू नहीं कर रहे, दैट में बी अ प्लांट, दैट में बी अ प्रोडक्ट, दैट में बी एनी प्रोडक्ट लाइन, एनीथिंग दैट यू हैव डिसकंटिन्यूड। लेकिन आपने साल के बीच में कहीं डिसकंटिन्यू करा तो कुछ तो सेल हो चुकी होगी ना उसकी, तो वो है टोटल रेवेन्यू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का मिलाकर आपका ये 10 करोड़ क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब आप प्लीज समझिएगा, जब भी हम कई सारी लिमिट लिखते हैं तो बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि सारी लिमिट एक साथ है या अलग अलग है, ये समझने के लिए आपको एंड या और लिख देना चाहिए यहां पर। दोस्तों आप प्लीज जरा फोकस करिएगा इस बात पर कि मैंने लिखा है एनी ऑफ द फॉलोइंग लिमिट, अगर इनमें से एक भी लिमिट क्रॉस हो गई तो एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगी। आप ऐसे समझिए कि एक घर है जिसके अंदर 4 खिड़कियां हैं, लिमिट ए, लिमिट बी, लिमिट सी, लिमिट डी उनके नाम है, और वो लिमिट बंद रहनी चाहिए, क्रॉस ना हो, हवा आ गई अंदर तो बस कारो लग जाएगा। अगर ये चारों में से एक भी लिमिट क्रॉस हो गई तब कारो हट लग जाएगा, एग्जेम्पशन हट जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम समझने के लिए लिखें ये पेपर में मत लिखना आप, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है, एग्जेम्पशन कब रहेगी, एग्जेम्पशन तब रहेगी जब लिमिट्स डू नॉट क्रॉस, मतलब लिमिट 1+2+3+4 चारों की चारों लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, प्लस लगाए एंड लगाए। और अगर एप्लीकेबिलिटी की बात बताऊं आपको,
एनी लिमिट क्रॉस्ड, मतलब लिमिट वन और टू और थ्री और फोर। अब ये मत समझिएगा डबल कंफ्यूजन कर रहा है टीचर, आपका मास्टर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। सिट, रिलैक्स, अकेले अलग चुपचाप बैठकर समझेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कंपनी बचना चाहती है, वो चाहती है कि मेरे ऊपर कारो न लगे, तो सारी लिमिट में से कोई भी एक क्रॉस करवा दे, कारो लग जाएगा। और अगर कोई कंपनी चाहती है कि मेरे ऊपर एग्जेम्पशन रहे, कारो न लगे, तो सारी की सारी लिमिट मेंटेन रखनी पड़ेगी आपको। क्लियर हो गई जी बात, ये आपको अच्छे से समझ आ गया। ये कारो की अप्लीकेबिलिटी आपके सामने हो गई। कारो हमने शुरू करा है और अब हम वो कारो के सवाल जवाब देखते हैं। कारो 2020 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें ऑडिटर को जवाब देना है, राइट दोस्तों? क्योंकि वो कारो 2020 के जो सवाल हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर नहीं, क्वेश्चन कि भाई इस पर्टिकुलर कैटेगरी के कौन से क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना 21 कैटेगरीज हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में कौन से क्वेश्चन है या एसेट की कैटेगरी में कौन से क्वेश्चन है। ऑलराइट, चलो अब उन सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं।